मोहिनी का शिव व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की काशी होती है, उसका क्या फल होता है, उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि विशिष्ट से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय और सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। विशिष्ट जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों से पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी काशी होता है। वह सब पापों को हरने वाली होती है और उत्तम होती है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल पातक सूत्र से छुटकारा पा सकता है। सरस्वती नदी के रमणीक तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ लगाना, कुआं खुदवाना, मठ बनवाना, बगीचा लगवाना, पोखर खुदवाना और घर बनवाना, यह उसका शुभ कार्य था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, दुतिमान, मेधावी, सुकृत और दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्य जनों से उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी, न पूजा पाठ में लगती थी, और न वह पितरों और ब्राह्मणों का ही आदर करता था। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बाढ़ डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बंधुओं बांधुओं ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा रहा, कष्ट पे कष्ट उठाता रहा और इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिल्य गंगा जी में स्नान करने आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिल्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया और बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करो और कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो सके। कौंडिल्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि की यह बात सुनकर दृष्ट बुद्धि ने चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिल्य के उद्देश्य से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया और वह उस व्रत को पूर्ण एकाग्रता से भगवान का नाम लेकर उसने उस व्रत को किया। नपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो इस प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी व्रत बहुत उत्तम है। इस मोहिनी व्रत की कथा को सुनने और श्रवण करने मात्र से सहज गोदान का फल मिलता है और हम जघन्य से जघन पापों से मुक्ति पाते हैं। तो इसलिए इस मोहिनी व्रत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए और इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा।